सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। शुरुआती दौर में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीता और फिर वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत से वेस्टइंडीज की टीम की गेंदबाजी आज काफी अच्छी लय में लग रही थी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए जहां सब यह कयास लगा रहे थे कि रोहित शर्मा टीम का हिस्सा बनेंगे, तो आपको बता दें कि टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही भारतीय टीम मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम 24 ओवर अब तक खेल चुकी थी और अपने खाते में महज 52 रन ही जोड़ पाई थी। साथ ही तब तक भारतीय टीम ने अपने दो बड़े व सबसे अहम विकेट भी गंवा दिए थे। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में विकेट्स गिरने के बाद भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। हालांकि फिर इसके बाद मयंक अग्रवाल ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर एक बेहद ही मजबूत पार्टनरशिप जुटाई। दोनों ही खिलाड़ियों ने अर्धशतक की पारी खेली जिसके चलते टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत के साथ मिलकर हनुमा विहारी ने अपनी टीम के लिए अच्छी पार्टनरशिप जुटाकर न सिर्फ लगातार गिर रहे विकेट का सिलसिला रोका बल्कि धीमी गति से आगे बढ़ रहे स्कोर को 264 तक भी पहुंचा दिया। आपको बता दें कि दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम अब 264 तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों इस दौरान अगर हनुमा विहारी की बात करी जाए तो उन्होंने 80 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 42 रन जुटा लिए थे। दूसरी तरफ दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 63 गेंदों का सामना करके 27 रन। लेकिन ऋषभ पंत की पारी में खास बात तो यह रही कि उन्होंने इस मुकाबले का इकलौता व सबसे लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों यह पूरा वाक्य पारी के 80वें ओवर का गेंदबाजी करवा रहे थे वेस्टइंडीज की टीम के स्पिनर गेंदबाज रॉस्टन चेज, और जब ऋषभ पंत जैसे धुआंधार बल्लेबाज के सामने एक स्पिनर गेंदबाज आ जाए तो आखिरकार ऋषभ पंत ऐसा मौका कहाँ छोड़ते। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बेहद ही स्लो डिलीवरी थी, इस पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ऋषभ पंत ने अपना बल्ला घुमाया और इस गेंद पर उनका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाकर गिरी सीधा स्टैंड्स में और यह देखते ही देखते छक्का हो गया। दोस्तों ऋषभ पंत के इस छक्के ने कहीं ना कहीं दोनों ही खिलाड़ियों में अलग उत्साह पैदा कर दिया। इसके बाद और तेज बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते स्कोर को 264 तक पहुँचाया। लेकिन तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की जिन्होंने टेस्ट मुकाबले में ऐसी मुश्किल परिस्थिति में छक्का मारने का दम रखा। ऋषभ पंत को भविष्य का महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग बल्लेबाजी के दम पर क्या ऋषभ पंत धोनी की जगह ले सकते हैं या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहला विकेट गिरा केएल राहुल के रूप में। 26 गेंदों का सामना करके 13 रन बनाकर केएल राहुल पवेलियन की तरफ चले गए। उन्होंने एक आसान सा कैच खिलाड़ी कॉर्न बॉल को थमा दिया। उसके बाद दूसरा विकेट गिरा भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे मजबूत बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के रूप में। पुजारा ने तो 25 गेंदों का सामना किया लेकिन वह महज 6 रन ही लगा सके। दोस्तों खास बात तो यहाँ पर यह रही कि केएल राहुल का कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी भी कॉर्न बॉल था और फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का विकेट लेने वाला भी खिलाड़ी कॉर्न बॉल ही था। यह खिलाड़ी वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से अपना डेब्यू कर रहा है और इसने भारतीय टीम के शुरुआती दौर में ही 2 विकेट लेकर कहीं ना कहीं अपनी टीम को काफी फायदा करवाया। अब और दोस्तों कुछ इसी तरीके से चेतेश्वर पुजारा व केएल राहुल के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम शुरुआती दौर में डगमगा गया था, लेकिन ऐसे समय पर कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर आज जिस तरीके की पारी मयंक अग्रवाल ने अपनी टीम के लिए खेली उसके बाद उनकी हर जगह तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि मुश्किल समय में कप्तान कोहली के साथ मिलकर मयंक अग्रवाल ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप जुटाई। साथ ही फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत पार्टनरशिप के बलबूते पर भारतीय टीम के विकेट गिरने के सिलसिले को भी रोक कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने 127 गेंदों का सामना करके अर्धशतक पूरा करते हुए 55 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। दूसरी तरफ कप्तान विराट कोहली भी शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। 163 गेंदों का सामना करके विराट कोहली भी 76 रन अपनी पारी में जोड़ चुके थे। हालांकि फिर दोनों ही खिलाड़ी आउट हो गए और मयंक अग्रवाल की पारी 55 तो विराट कोहली की 76 रनों पर समाप्त हो गई, जिसके बाद रहाणे भी अपनी पारी में 24 रन बनाकर ही पवेलियन की तरफ चल दिए। लेकिन आज अंत तक भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला युवा खिलाड़ी हनुमा विहारी व ऋषभ पंत ने। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर आज अंतिम पलों में भारतीय टीम के लिए काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करी।
हनुमा विहारी तो पिछले टेस्ट मैच में भी चमके थे और एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उन्होंने अपने बल्लेबाजी से धावा बोल दिया है वेस्ट इंडीज की टीम के गेंदबाजों पर। लगातार विकेट ले रहे वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ियों को अच्छा सबक सिखाया ऋषभ पंत व हनुमा विहारी ने मिलकर। दिन का खेल खत्म होने तक हनुमा विहारी 80 गेंदों का सामना करके जब 42 रनों पर पहुंच गए तो वहीं ऋषभ पंत ने भी 64 गेंदों का सामना किया और दो चौके व एक छक्के की मदद से 27 रन अपनी पारी में वह भी लगा चुके हैं। और कुछ इसी तरीके से ऋषभ पंत व हनुमा विहारी के नॉट आउट रहने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 5 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम 264 रन बना चुकी है। दोस्तों भारतीय टीम के पास एडवांटेज यह रहेगी कि दूसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत व हनुमा विहारी क्रीज पर सेट हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम पहली इनिंग में अब वेस्ट इंडीज की टीम को एक बड़ा लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दूसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर वेस्ट इंडीज? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब भारतीय टीम की शुरुआत तो काफी ज्यादा खराब रही लेकिन फिर आज मयंक अग्रवाल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते अपने टीम में होने का सबको एहसास करवा दिया। दोस्तों जब ऐसे समय पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और अभी टीम के 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे कि दो विकेट गिर गए थे, तो इसी दौरान मयंक अग्रवाल ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर आज बेहद ही मजबूत पारी खेली। आपको बता दें कि लंच होने तक ही मयंक अग्रवाल 99 गेंदों का सामना कर चुके थे। अपनी पारी में 5 चौके लगाने के साथ साथ मयंक अग्रवाल ने अपने खाते में 41 रन भी जोड़ लिए। दोस्तों मयंक अग्रवाल के द्वारा लगाए गए 41 रन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए काफी अहम रहे। दूसरे छोर से कप्तान विराट कोहली ने भी 30 गेंदे खेलकर 5 रन जरूर जुटाए, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी मयंक अग्रवाल की, क्योंकि पिछले मुकाबलों में अगर उनकी दोनों इनिंग्स के रन मिलाए जाएं तो उनकी 40 रनों से भी ज्यादा नहीं बनते। ऐसे में जब लंच के समय तक ही मयंक अग्रवाल ने 41 रनों की पारी खेली तो कहीं ना कहीं कप्तान विराट कोहली भी उनसे काफी खुश थे। मैदान पर विराट कोहली ने मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी की लगातार तारीफ करी। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मयंक अग्रवाल ने ज्यादा डिफेंसिव शॉट खेले, जैसा कि हमने आपको बताया कि पारी में वह 5 चौके भी लगा चुके थे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मयंक अग्रवाल इससे पहले इंडिया ए की टीम की तरफ से वह क्लासिक क्रिकेट में काफी अच्छी टेस्ट बल्लेबाजी करते हैं। आज कुछ ऐसा ही नमूना देखने को मिला वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के लंच के खेल तक। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट है? परंतु जब बात आती है मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा की तो कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो आपको बता दें कि अब तक भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जिसके बाद कहीं न कहीं भारतीय टीम के पास यह मौका रहेगा कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर ले। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम चाहेगी कि किसी तरीके से इस मुकाबले को जीत पाए और इस सीरीज को ड्रॉ करा सके, क्योंकि पिछली दो सीरीज भी भारतीय टीम ने वनडे व T20 सीरीज को क्लीन स्वीप से जीता, जिसका मतलब यह रोमांचक मुकाबला होने वाला। और अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में सोनी लिव के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप Sony 10-1 व Sony 10-3 के चैनल्स पर इसे लाइव देख पाएंगे। अब दोस्तों अगर एक नजर डाल ली जाए वेस्ट इंडीज की टीम पर तो आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए भी वेस्ट इंडीज की टीम में कुछ ज्यादा बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अनुभवी अवेलेबल खिलाड़ी टीम का हिस्सा पहले से ही है। टीम की कप्तानी संभाल रहे जेसन होल्डर, जो कि कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में अपनी टीम के बैटिंग ऑर्डर से काफी ज्यादा दुखी थे। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे टेस्ट मैच में पलटवार करके दिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम की बात करी जाए तो टीम में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों रह सकता है मयंक अग्रवाल को लेकर। मयंक अग्रवाल को इसलिए खिलाया गया क्योंकि रोहित शर्मा को बेंच पर बिठाया गया था। रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा है लेकिन पहले टेस्ट मैच में उनकी जगह मयंक अग्रवाल को आजमाया गया। दोनों ही इनिंग्स में मयंक अग्रवाल का बल्ला पूरी तरीके से खामोश रहा। ऐसे में कप्तान विराट कोहली अब रोहित शर्मा को मौका देना चाहेंगे या फिर नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए भारतीय टीम के गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की, कप्तान विराट कोहली टीम में शायद एक फुल टाइम स्पिनर गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं, जो कि हो सकते हैं कुलदीप यादव के रूप में। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम की बल्लेबाजी अक्सर स्पिन गेंदबाजी के सामने फीकी पड़ जाती है। पिछले मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज की टीम के स्पिनर गेंदबाजों ने अच्छे विकेट लिए थे भारतीय टीम के। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान विराट कोहली एक स्पिनर गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव को तो खिलाना जरूरी समझ सकते हैं। साथ ही अब अगर बात कर ली जाए टीम के ऑलराउंडर की, तो वैसे तो रविंद्र जडेजा ने पिछले मुकाबले में 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी दूसरी इनिंग्स में, लेकिन रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी का हुनर भी जानते हैं। वह भी टीम का हिस्सा है और क्योंकि वह केवल टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं और वनडे और T20 में तो उन्हें इतने ज्यादा मौके अब दिए ही नहीं जाते, तो ऐसे में वह भी दूसरे मुकाबले में टीम का हिस्सा बनते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों यही है वह 3 बड़े बदलाव जो कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए आपको टीम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कप्तान विराट कोहली किस खिलाड़ी को मौका देते हैं और किसको बेंच पर बिठाकर आते हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप से जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जहां एक तरफ इस समय वेस्ट इंडीज का दौरा खत्म होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ सारे देश में इस बात की हाइप मची हुई है कि साउथ
साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ आखिरकार धोनी टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। जी आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे से भारतीय टीम अब तक अपने देश भारत लौटी भी नहीं कि बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने पहले से ही साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का नाम अंकित कर दिया है। लेकिन इस बार की भारतीय टीम में शायद जितने बड़े बदलाव किए गए हैं उतने शायद ही पिछले कुछ सालों में किए गए हों, क्योंकि भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ टीम के मुख्य गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से लेकर जसप्रीत बुमराह तक टीम का हिस्सा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि स्पिन गेंदबाजी के